हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आपका स्वागत है। भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा का बल्ला बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में कुछ खास नहीं चला था। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में रोहित शर्मा दोनों पारियों में सस्ते में पवेलियन लौटे। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 280 रन से जीत मिली और सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाना है। कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा से उम्मीद है कि वो एक बड़ी पारी खेले। दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा के पास कई रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका होगा, इनफैक्ट 4। रोहित शर्मा के पास भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को पछाड़ने का मौका है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा गौतम गंभीर से पीछे हैं। रोहित ने अभी तक टेस्ट में 4,148 रन बनाए हैं। वहीं अगर वो कानपुर टेस्ट में 5 रन बना लेते हैं तो गंभीर को पछाड़ देंगे, जिन्होंने टेस्ट करियर में 4,152 रन बनाए थे। रोहित शर्मा अगर दूसरे टेस्ट में 7 और 6 जड़ देते हैं तो फिर वो टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बन जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग को वो पछाड़ देंगे। अभी तक टेस्ट में रोहित शर्मा के नाम जो है 84 छक्के हैं। रोहित शर्मा अगर बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में 1 शतक जड़ देते हैं तो वो टेस्ट करियर का अपना 13वां शतक जड़ देंगे। इस दौरान वो अजिंक्य रहाणे और मुरली विजय को पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 12-12 शतक जड़े। अगर रोहित शर्मा इस मैच में 1 और शतक लगाते हैं तो वो पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के 48 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। कैप्टन रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 48-48 शतक हैं। अब रोहित 1 शतक जमाते ही भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले प्लेयर्स में 30 नंबर पर आ जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।